अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लोग मौजूद हैं अता भाई के पास। और जैसा कि आप लोगों को पता चला होगा कि आईफोन पे पीटीए की ड्यूटीज़ वगैरह बढ़ गई हैं, तो हमने कहा कि एक अता भाई के पास चल के एक वीडियो बना लेते हैं जिसमें उनसे पूछ लेते हैं कि भाई आईफोन वगैरह की इस वक्त करंट प्राइजेस क्या हैं, ड्यूटीज़ बढ़ने के बाद किस किस आईफोन पे ड्यूटीज़ बढ़ी हैं और क्या पीटीए टैक्स है उनका। ठीक है, तो चलिए अता भाई से पूछते हैं। जी आता भाई, बताएं। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम यस टेक एंड गेमिंग में मेरे देखने वालों को और यासर भाई के व्यूवर्स को। यार कुछ ड्यूटी को लेके थोड़ा सा इशू आया है iPhone 6s से लेके iPhone XS Max तक। तो इशू ये हुआ है कि पहले जो ड्यूटी थी वो रिवर्स आ गई थी। 22,000 रुपये ड्यूटी चल रही थी, अचानक ड्यूटी जो है 12-13 हज़ार रुपये पर आ गई थी। अब इन्होंने ड्यूटी दोबारा इन्होंने जो है रेट्स में डिफरेंस लिया है। जैसे 6s से लेके iPhone 7 Plus तक जो इम्पोर्ट की ड्यूटी है उन्होंने 1,700 रुपये बढ़ा दी है। पहले हम लोग पे ऑफ करते थे 4,500 रुपये, अब पे ऑफ करेंगे 1,700 रुपये ज़्यादा। तो हर मॉडल में तकरीबन इंक्रीज हुआ है। लाइक iPhone 6s, 6s Plus, iPhone 7, 7 Plus, ये चारों मॉडल की लाल पुरानी ड्यूटी थी 5,500-5,000 रुपये। अब ड्यूटी हो गई है इसकी इम्पोर्ट पे 6,000 रुपये। ठीक है। अच्छा जी, और लोकल जो इसकी ड्यूटी इन्होंने कर दी है NIC और पासपोर्ट पे, तो आई थिंक 16-17 हज़ार रुपये इन्होंने 7 और 7 Plus की ड्यूटी कर दी है। तो काइंडली ये बात तो आप समझ लें कि आपने नॉन पीटीए फोन्स अब परचेज नहीं करना है। अच्छा, ये मुझे बताएं, लोकल और ये इंपोर्ट, ये क्या सीन है भाई? सर मैं जैसे कि आपकी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ कि इम्पोर्ट्स मॉडल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मैं आपको पहले बताया था, आप लोगों को अगर याद हो तो मॉडल में जो है वो डिफरेंट इस तरीके से था कि 2101 वो 1874 1784 सॉरी 1784 जो मॉडल था iPhone 7 Plus का, ये इम्पोर्ट मॉडल है। मतलब कस्टम से आप लीगल इम्पोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा अदर मॉडल जो है 7 Plus के, इसके अलावा कुछ भी मॉडल हो, 1865 कोई भी मॉडल हो, 1660 1660 एक मॉडल है 7 Plus का। इसके अलावा जो इम्पोर्ट में नहीं है उसके अलावा तमाम की ड्यूटियाँ 16,000 रुपये हो गई हैं। तो आप काइंडली इस ड्यूटी आप जो है नॉन पीटीए से परहेज कीजिए अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। अच्छा, आप शुरू करते हैं वापस। सक्सेस हमने बता दिया, सिक्स एस में जो ड्यूटियाँ हो गई हैं इम्पोर्ट की वो 6,000-6,500 रुपये ड्यूटी ऊपर हो गई आते हैं। हैं ठीक है ना, इस पे आ जाए 6s Plus में भी इसमें 6,500 रुपये ड्यूटी हो गई। 7 और 7 Plus में भी तकरीबन 6,500 रुपये ड्यूटी हो गई, 6,500-7,000 रुपये। इम्पोर्ट की बात बता रहा हूँ, मतलब कॉस्टिंग में जो है वो 1,700-2,000 रुपये का रेट का डिफरेंस आ गया। अच्छा जी, 8 और 8 Plus में, 8 और 8 Plus में आपको बताया जो मॉडल है iPhone 8 का, 8 Plus का है 1897 और 8 का है 1905। ये इम्पोर्ट मॉडल है, इस पर 5,500 रुपये हो गए। पहले हम लोग भर रहे थे 8-8,500, अब भरेंगे हम लोग 13,000 रुपये। तो 5,500 रुपये 5,500 मजीद बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, एट और 13,000 तकरीबन। एग्जैक्टली तो कॉस्टिंग में भी ऑब्वियसली 5,500-6,000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। फिर इसके बाद आप आ जाएंगे XS, XS Max, XR, ये चार मॉडलों के 8,000 ड्यूटी इंक्रीज हो गई है। लाइक पहले हम लोग भर रहे थे 13,000 रुपये, अब ये भरेंगे हम लोग 21,000 रुपये। सही है, 21,000 का मतलब ये है कि आपकी जो स्टॉक जो आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम जब आप परचेस करेंगे तो आपके कम से कम भी 6-7 हज़ार रुपये का डिफरेंस आएगा परचेसिंग में। अगर मैं एक्स बेच रहा था अगर मैं आपको 66,000 का, 67,000 का, तो अब आपको मिलेगा 71,000-70,000 का। ठीक है, तो ये इशू आया। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक छोटी सी मैं ड्यूटियों के बाद एक बात करूंगा। यार ये जो वाटर टेस्टिंग जो मैंने किया है, मेरे भाइयों आपने अगर अपना लॉस करना हो तो आप ये काम कीजिएगा। ये जस्ट आपको बताने के लिए कि आईफोन वाटर रेजिस्ट होता है। आपने खुद से टेस्टिंग नहीं करनी है। खुद टेस्टिंग करने में आप कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे फोन दबा हुआ है, जेब के अंदर दब गया, वो अपने पैनल की लूजिंग छोड़ देता है, पानी अंदर चला जाता है। आपने आईफोन को कभी भी अपने पास वाटर टेस्ट नहीं करना है। मैं तमाम वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि आपने वाटर टेस्टिंग खुद से नहीं करनी है। खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए वो बात अलग है। अभी एक कस्टमर आ रहा है पानी में डाल के ले आया, अब टच में इशू आ रहा है, बहुत टच कैमरा LCD की वारंटी नहीं होती। ये इशू आता है पानी में जाने के बाद, आपने पानी में डालना ही नहीं आईफोन। आईफोन आपने जस्ट इंटरटेन के लिए, मैंने बार बार बताया था कि जस्ट इंटरटेन के लिए वीडियो है, आपने इसको टेस्टिंग घर पर नहीं करनी है। क्योंकि देखें, आईफोन रेजिस्टेंट होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, और इसकी जो है वो आईफोन भी क्लेम नहीं करता वारंटी। ठीक है, हाँ। तो हम भी आपको ये बताते हैं कि वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि हर फ़ोन जो है वो वाटर प्रूफ हो, क्योंकि हर फ़ोन की कंडीशन क्या है, हमने खोला हुआ तो नहीं होता उसको ना भाई, हाँ, खोला किसी नहीं में, मगर किसी में लूजिंग भी होती किसी है में लूजिंग है नहीं है, हमें क्या पता भाई। हाँ, exactly. जिसका बस ओरिजिनल फोन्स की गारंटी होती है हमारी, ओरिजिनल फोन्स हो, कोई रिपेयर ना हो, कोई ख़राबी ना हो,
रिपेयर ही ना हो, बोर्ड में कोई इशू ना हो, मैं सबका चेक करने का तरीका बता चुका हूँ कि आपको अगर कोई खुदा ना खास्ता आपका फ़ोन आईफोन ख़राब है तो आपने रात में 100% चार्ज करके सोएंगे और सुबह बंद हो जाएगा, तो मतलब बोर्ड में इशू है। आपने हर पीस को 200 पीस को 500 पीस को खोल खोल के नेट से चेक थोड़ी कर देंगे अंदर इशू है। बॉस ये आपने टेस्टिंग करनी होती फ़ोन की, आपने चेक करना होता है फ़ोन को, आपको आता भाई चेक करके देते हैं, मगर आपने इसको पानी में डाल डाल के दोस्तों को दिखाना थोड़ी है कि यार मेरा पानी वाटरप्रूफ। अबे भाई वाटरप्रूफ का मतलब है आईफोन में वाटर रेजिस्ट, वाटर रेजिस्ट का मतलब होता है खुदा ना खास्ता पानी के छिड़के आ गई आपने साफ कर दिया। ठीक है अच्छा आता भाई एक दफ़ा ज़रा ड्यूटीज़ का जल्दी से बता दें, अब कितनी देखें हाँ बढ़ गई है, कितनी है तो बता दिए, अब कितनी हो गई है ये बता दें। हाँ अब ड्यूटी हो गई है 6S से लेके आईफोन 7 प्लस तक की ड्यूटी है 6,500 रुपये। ठीक है कौन से इंपोर्ट मॉडल्स और जो इंपोर्ट के अलावा दूसरे उसका क्या होता है उनकी उनकी ड्यूटियाँ तकरीबन उनके अच्छा उनकी ड्यूटियाँ मजे की बात है अभी पीटीए दे ही नहीं रहा है, मतलब के सिस्टम में आई नहीं रही ड्यूटियाँ तो वो पीटीए अप्रूव ही नहीं हाँ, हो पा रहे। हाँ इसलिए कह रहा हूँ कि नॉन पीटीए की तरफ मत जाइए, नॉन पीटीए फोन जो छोटे मॉडल्स हैं, छोटे मॉडल्स की बात कर रहा हूँ, बड़े मॉडल्स जैसे ये तो इनकी तो ड्यूटियाँ वही है ना 40,000 पहले भी थी आज भी 40,000 रुपये, इसमें नहीं जाना है आपने। जो छोटे मॉडल्स हैं जैसे एक्स है आप नॉन पीटीए आप खरीदो 55,000 रुपये का, उसमें ड्यूटी बढ़ो 46,000 रुपये का, 1,00,000 का बढ़ गया, 70,000 का मैं दे रहा हूँ आपको 30,000 सस्ता, कहने का मकसद ये है। अच्छा आप बताएं आईफोन 6S 7 प्लस से ऊपर चले जाएं आईफोन 8 और 8 प्लस इसकी ड्यूटी है 13,500 रुपये, मतलब 8 प्लस अगर मैं 53,500 बेच रहा था अब मेरा रेट है 56,500 रुपये। ठीक है उससे ऊपर आईफोन 8 और आईफोन 8 और 8 प्लस दोनों में 3,000-4,000 में हमने इंक्रीज कर दिए हैं, उससे ऊपर एक्स आ जाए एक्स हम लोग आपको अब 70,000 रुपये में देंगे 64 GB और एक्सेस ड्यूटी बताओ ना यार ड्यूटी 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 मैंने आपको बताया ना ड्यूटी जो हो गई है वो 21,000 रुपये हो गई है एक्स से लेके एक्सेस मैक्स तक की इंपोर्ट मॉडल्स की। ठीक है एक्स का बता दूं 1901 LLA एक्स 1901 20,000-21,000 रुपये। ठीक है फिर एक्सेस में 2097 21,000 रुपये इंपोर्ट मॉडल में, उससे ऊपर एक्सेस मैक्स 2101 एक्सेस मैक्स का मॉडल 21,000 रुपये, एक्सआर 2105 XR 21,000 रुपये, इन तमाम जो इंपोर्ट मॉडल्स हैं इनकी ड्यूटी 21,000 और ऊपर ऊपर 12 प्रो पे चले जाएं तो वो तो आपको पता है ड्यूटी 45,000-46,000 रुपये ना, वो तो कांस्टेंट है 3,000-4,000 रुपये उसमें डिफरेंस आया है, वो तो कांस्टेंट है। तो ना इसमें आप ध्यान में रखिएगा कि नॉन पीटीए फोन्स जो है वो देखभाल के उठाएं, नॉन पीटीए फोन्स में अगर आपने सिम चलानी नहीं है तो वो तो बात ही अलग है ना, वो तो आप फिर आप सस्ते से उठा लें, मगर अगर आप इस लाले से उठा रहे हैं कि हमने 2 महीने बाद ड्यूटी जमा करानी है तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो गाइस थैंक यू अता भाई, थैंक यू सो मच कि आपने अपडेट किया नए पीटीए के प्राइजेस पीटीए अप्रूव के टैक्सेस के हवाले से। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट कर लीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। को मत भूलिएगा, ये बात आपको पता है कि आप क्या था भाई आपको कहते हैं कि आपको हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए आपको लाजमी है आपने सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब क्या करना है आपने सब्सक्राइब लाल कलर लिखा हो तो उस पर क्लिक करना है, उसके ऊपर एक बेल लगी होती है खूबसूरत सी आपने उसको क्लिक करना है ऑल पे करना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की तमाम अपडेट मिलती रहें। मेरे अलावा भी यासिर भाई बहुत सारी जगहों पर जाते हैं जहाँ से आपको अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, मेरी ना से ही तो उनकी चीज़ें आप तक पहुँचती रहेंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू गाइज, अल्लाह हाफिज़।